हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, हम सभी का सपना होता है कि हमारा जो घर हो बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आजकल हम मूवीज़ में देखते हैं। फिर चाहे बात करें बड़े बड़े बाथरूम्स की, बाथरूम में लगे बाथटब की, और साथ ही एंटरटेनमेंट के पर्पज से मिलने वाले बिग साइज होम थिएटर की। तो आज जो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, ए टू जेड फैसिलिटी आपको इस घर में मिलने वाली है। और साथ ही बात करेंगे लोकेशन की, तो जयपुर की से प्राइम लोकेशन पर ये लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के फ्रंट एलिवेशन से। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं इस विला का खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन का वर्क आप देखिए, बहुत ही प्यारा रहेगा। टेक्सचर वर्क का यूज़ किया है, कुछ आयरन वर्क भी इसमें आपको मिल जाता है। बात कर इसके साइज़ की, तो 133 गज में बना हुआ है 20x60 के डायमेंशन में। तो 20 का आपको वाइड फ्रंट यहाँ पर मिल जाता है। लोकेशन की बात करो तो जयपुर के सबसे प्राइम लोकेशन निर्माण नगर में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है दोस्तों। यहाँ से कनेक्टिविटी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाते हैं। आसपास का सराउंडिंग आप देखिए दोस्तों, काफ़ी रेजिडेंशियल रहेगा, काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पर रह रही है, काफ़ी प्राइम लोकेशन है। विला के सामने आपको 30 फिट वाइड रोड मिल जाती है। यह आ जाता है हमारा मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पर आप देखेंगे आयरन हैवी डोर आपको मिल जाता है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ रहेगा। और यहाँ से एंटर करते ही आपको मिल जाता है स्पेशियस पोर्च एरिया। तो यहाँ पर आप देखिए पोर्च एरिया का डिज़ाइन आपको बहुत ही प्यारा, यहाँ पे टाइल वर्क मिल जाता है। साथ ही साथ में इसकी जो साइड वॉल है आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको वर्क मिलेगा। आर्टिफिशियल ग्रास का इस तरीके से यूज़ किया है इसे डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर इजीली आप अपनी एक कार पार्क कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ भी आपको एक बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। सिलेंडर के लिए आपको बाहर से ही प्रोविजन मिल जाता है, और आप चाहें तो यहाँ पर अपनी टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। वॉल्स पर आप देखेंगे टेक्सचर वर्क यहाँ पर किया गया है पूरी वॉल्स पे, तो सीलन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। साथ ही यहाँ आप देखेंगे शू रेक के लिए भी आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ से आ जाती है हमारे विला की मेन एंट्रेंस। यहाँ पर आपको विंडो भी मिल जाएगी जो कि आपके ड्रॉइंग स्पेस में हो जाती है। टू स्टेप्स के बाद में आ जाती है हमारे विला की मेन एंट्रेंस। तो यहाँ आप देखेंगे दो डोर आपको मिल जाते हैं, एक आपको वायर मेश डोर भी मिल जाएगा। और इसी के जस्ट पास में आ जाता है हमारा वुडन हैवी डोर, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ रहेगा आप देखिए। तो यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते ही आप देखिए स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एंटर करते ही लिविंग स्पेस की सबसे खास बात मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाता है, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों। आप देखिए CNC कटिंग जाली का वर्क रहेगा, साथ ही नीचे ब्यूटीफुल स्टोरेज आपको मिल जाता है। लाइट वर्क भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा इसमें किया है। यहाँ पर आप देखेंगे फॉल सीलिंग आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिल जाएगा, साथ ही साथ में फैंसी लैंप और फैन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो साइड वॉल है इस पर बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया है। यहाँ पर इस तरीके से फ्रेम वर्क किया है जिसमें मार्बल का यूज़ किया है, और वॉलपेपर लगा के इस तरीके से आप ये वर्क अपने घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है आपके लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर लिविंग स्पेस आपको मिल जाएगा। 6 to 7 seater सोफ़ा प्लेस किया गया है, ये आपका सिटिंग स्पेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है सेंटर टेबल। इसके जस्ट ऊपर आप देखिए ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है, फैंसी फैन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के पर्पस से आपको मिल जाता है LED पैनल जो कि सनमाइका वर्क में रहेगा, प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया है। और इसी के बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा स्पेशियस डाइनिंग एरिया। तो 6 seater डाइनिंग टेबल आपके हो जाएगी, मार्बल डाइनिंग टेबल है। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वन रूफ स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पर ब्यूटीफुल शैंडलियर आपको मिल जाएगा। स्टेयर्स आपके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा स्पेस इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी मिल जाता है। और स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है यहाँ पर इस तरीके से आपको स्टोरेज दे दिया गया है। तो लिविंग स्पेस में आपको यहाँ मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, 6x6 के डायमेंशन में हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर हो जाता है आपका वॉश बेसिन एरिया। वेंटिलेशन भी इसमें प्रॉपर बना रहेगा, डक्टिंग वेंटिलेशन आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों, इस घर के हर वॉशरूम में आपको बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क देखने को मिलेगा, तो हर एक वॉशरूम आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा किचन। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस दिया गया है। यहाँ पर स्टोरेज आपको मिल गया है, और साथ ही बहुत ही प्यारा यहाँ पर मिरर वर्क आपको दिया गया है। इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये जो स्पेस है आप कैसे भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सोफ़ा वगैरह भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी मॉड्यूलर किचन।
तो काफी स्पेशियस किचन हमारी हो जाएगी 8x11 के डायमेंशन में। आप देखिए यू शेप में हो जाती है आपका किचन काउंटर टॉप। यहाँ पर आपको चिमनी की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि सेंसर चिमनी रहेगी। साथ ही में आपको वाइड विंडो मिल जाती है UPVC स्लाइडिंग डोर के साथ, तो यहाँ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन भी बना रहेगा। साथ ही फ्रंट डोर पर आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहा है। हाइड्रोलिक कैबिनेट आपको यहाँ मिल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर शटर स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, साथ ही नीचे भी आपको काफ़ी सारे ड्रॉअर्स मिल जाएंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ में। यहाँ पर आप देखिए फ्रिज के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, कितना भी बड़ा फ्रिज आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। नीचे आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट भी मिल जाती है और यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देखिए, यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है। साथ ही आपको आर और गीजर की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आ जाता है हमारा वेट एरिया, तो ये हो जाता है हमारा फुल्ली मॉड्यूलर किचन। तो दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये जो विला है आपको मिलने वाला है 2,25,00,000 में। इस प्राइस में दोस्तों फुल्ली फर्निश ये विला आपको मिल जाएगा और 133 गज के प्लॉट साइज में दोस्तों हमने बनाया है 4 BHK प्लस बिग साइज होम थिएटर। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट बेडरूम। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत वर्क इसमें किया गया है। थीम आप देखेंगे हर रूम में डिफरेंट थीम आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए कुशन वर्क किया है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में, साथ ही इसके पीछे वुडन वर्क आपको मिल जाता है। इसी के बिल्कुल पास में आ जाएगा आपका ड्रेसिंग एरिया। रूम के साइज की बात करूँ तो 13x14 के डायमेंशन में रहेगा। एक बार फ्लोरिंग आप इसकी देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लॉसी टाइल्स का इसमें यूज़ किया है। इसका सीलिंग डिज़ाइन एक बार आप देखिए, बहुत ही प्यारा सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाता है। साथ ही एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यहाँ आ जाएगा आपका LED पैनल, फुल वुडन रहेगा और प्रॉपर स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ आपको 2 वार्डरोब्स मिल रही हैं, आप देखिए फुल सीलिंग तक रहेगी और काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारा अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे आपको कॉमन वॉशरूम के साथ साथ अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। आप इसका साइज देखिए दोस्तों, 6x11 के डायमेंशन में हो जाता है। काफी स्पेशियस रहेगा आपका वॉशरूम और इसका टाइल वर्क देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट थीम में रखा गया है। यहाँ पर हो जाता है वॉश बेसन एरिया, गीजर की फैसिलिटी भी आपको इसमें मिल जाएगी, साथ ही वेंटिलेशन भी इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना हुआ है। वेंटिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस रूम में वेंटिलेशन के पर्पज से वाइड विंडो मिल जाती है और इसी के साथ में गैलरी आपको मिल जाएगी जो कि काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ पर आप देखिए स्पेशियस गैलरी मिल जाती है, यहाँ से वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना रहेगा और कुछ भी आप यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम। अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ हम देखेंगे 2 बड़े साइज के बेडरूम्स। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से आ जाती है हमारी स्टेयर्स। स्टेयर्स पर आप देखिए वुडन रेलिंग का यूज़ किया है, साथ ही टफन ग्लास का यूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ रहेगा। और जो हमारी स्टेयर्स है इसमें फुट लैम्प का यूज़ किया है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर आते ही देखिए आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत वर्क इस वॉल पर किया है, 3D वर्क ये आपको मिल जाता है। साथ ही में वुडन वर्क रहेगा और इसमें प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ये दे देता है, काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं 2 बड़े साइज के बेडरूम्स। तो चलिए हम देख लेते हैं सेकेंड बेडरूम। ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि रहेगा 13x14 के डायमेंशन में। इसका थीम वर्क भी आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है बाकी बेडरूम से। यहाँ पर इस तरीके से कुछ वुडन वर्क रहेगा, कुशन वर्क किया है बहुत ही प्यारा और साथ ही में वॉलपेपर वर्क दिया है। इसका सीलिंग डिज़ाइन एक बार आप देख लीजिए, ब्यूटिफुल सीलिंग डिज़ाइन आपको इसमें मिल जाता है। वेंटिलेशन यहाँ से प्रॉपर बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको वाइड विंडो और एक ओपन गैलरी भी मिल जाती है। यहाँ पर आ जाता है हमारा LED पैनल, फुल वुडन वर्क के साथ में है, काफ़ी अच्छा वर्क रहेगा और फुल सीलिंग तक हो जाता है। इसी के बिल्कुल पास में आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं, 6x14 के डायमेंशन में हो जाता है वॉशरूम। और इसकी सबसे खास बात देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बाथ टब भी, तो काफ़ी स्पेशियस रहेगा, वेंटिलेशन प्रॉपर इसमें बना हुआ है,
गीजर की फैसिलिटी आपको मिल रही है, साथ ही साथ इसकी जो वॉल्स हैं इस पर आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइल्स का यूज़ किया है, 3D लुक के साथ में है और काफ़ी कलरफुल हो जाती है। यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉश बेसिन एरिया, यहाँ पर लाइट भी आपको मिल जाती है, साथ ही साथ में यहाँ भी आपको एक ड्रेसिंग स्पेस दे दिया गया है, काफ़ी अच्छा टच मिरर के साथ में रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा स्पेशियस वॉशरूम। इस रूम में आपको मिल जाते हैं 2 बड़े वार्डरोब जो कि रहेंगे स्लाइडिंग डोर के साथ, काफ़ी डीप रहेंगे, अच्छा सा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, नीचे भी काफ़ी सारे ड्रॉअर्स मिल जाएंगे, तो स्टोरेज की आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली है इस रूम में। ये हो जाता है सेकेंड बेडरूम। अभी चलते हैं थर्ड बेडरूम में। ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। एंटर करते ही आप देखिए इसका जो टाइल वर्क है बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम ग्लॉसी लुक के साथ में रहेगा। इसके साइज की मैं बात करूँ तो 17x13 के डायमेंशन में हो जाता है। आप देखिए स्पेस, कितना शानदार स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। बेड के बैक वॉल का वर्क आप देखिए, यहाँ पे वुडन वर्क किया है, साथ ही कुशन वर्क रहेगा और इसी के साथ में यहाँ आपको बहुत ही स्पेशियस बालकनी भी मिल जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारा स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पर आप देखिए 3 वार्डरोब्स आपको मिल रही हैं, साथ ही में यहाँ पर हो जाता है हमारा ड्रेसिंग स्पेस, तो स्टोरेज की आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। साथ ही आप देखिए रूम का स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं होता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अटैच वॉशरूम भी, काफ़ी स्पेशियस रहेगा दोस्तों। 6x14 के डायमेंशन में रहेगा दोस्तों। आप देखिए फ्लोरिंग पे बहुत ही प्यारी टाइल्स का वर्क है, साथ ही वॉल्स पर आप देखेंगे तो वॉल्स पे भी बहुत ही प्यारी टाइल्स का वर्क किया गया है। यहाँ पर भी आपको गीजर की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही वेंटिलेशन भी देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। तो दोस्तों सिर्फ 14 फिट का तो बाथरूम ही आपको इसमें मिल रहा है। वॉश बेसिन एरिया भी आप देखिए प्रॉपर स्टोरेज के साथ यहाँ आपको मिल जाएगा, तो ये काफ़ी स्पेशियस हो जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। इसी के बिल्कुल पास ही आपको मिल जाएगा LED पैनल जो कि फुल वुडन वर्क में रहेगा, कुछ प्रोफाइल लाइट के साथ में। और अब हम देख लेते हैं इस रूम की स्पेशियस बालकनी। तो दोस्तों बालकनी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आपको जो UPVC स्लाइडिंग डोर मिल रहा है फॉरेन थीम में रहेगा, साथ ही वायर मैश डोर भी आपको इसमें मिल जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी बालकनी, खूबसूरत स्पेशियस बालकनी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप देखिए फ्लोरिंग पे बहुत ही बढ़िया टाइल वर्क रहेगा, साथ ही यहाँ पर SS रेलिंग और टफन ग्लास का यूज़ किया है, हाइट भी प्रॉपर रखी गई है। इसके सीलिंग पर आप देखिए वुडन टच आपको मिल जाएगा कंसील लैम्प के साथ, और यहाँ से आसपास का सराउंडिंग आप देख सकते हैं काफ़ी रेजिडेंशियल है। जयपुर के निर्माण नगर में लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट दोस्तों, JDA अप्रूव्ड है और बहुत ही स्पेशियस है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। अभी हम चलेंगे हमारे सेकेंड फ्लोर की तरफ जहाँ हम देखने वाले हैं एक स्पेशियस बिग साइज होम थिएटर और एक रूम भी हमें इसमें मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर पर आते ही आप देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल कलरफुल शैंडलियर आपको मिल जाता है, साथ ही काफ़ी अच्छा स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो है इस साइड में आपके ओपन टेरेस आ जाती है, आप देखिए यहाँ पर विंडो भी आपको मिल जाएगी जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिल जाता है और मिल जाता है एक बिग साइज होम थिएटर। तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। 8x13 के डायमेंशन में हो जाता है फोर्थ बेडरूम। आप कैसे भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसे सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं, आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन भी इसमें बना रहेगा, थीम वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, साथ ही यहाँ स्टोरेज भी आपको प्रॉपर दिया गया है। इस तरीके से आप देखिए 2 वार्डरोब आपको मिल जाती है, आप चाहें तो इसे स्टडी रूम भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। साथ ही आपके और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर हमें मिल जाता है बिग साइज होम थिएटर। तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है इस तरीके से बहुत ही अच्छे वर्क के साथ में। तो यह आ जाता है हमारा स्पेशियस होम थिएटर। 19x16 के डायमेंशन में रहेगा, आप देखिए काफ़ी स्पेशियस है और वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है। कुशन वर्क आपको मिल जाएगा पूरी वॉल्स पे और यहाँ पे 4 रेक्लाइनर्स आपको मिल जाते हैं, साथ ही सीलिंग डिज़ाइन देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन हो जाएगी, तो ये हो जाता है आपका स्पेशियस होम थिएटर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर गैलरी मिल जाती है, तो इसमें वेंटिलेशन भी बना रहेगा
और इसी के साथ में आपको एसी भी यहाँ पर लगा कर दिया जा रहा है। तो आप देख रहे दोस्तों इसका जो लुक है बिल्कुल मूवी थिएटर का लुक है। तो यहाँ पर बैठकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये है हमारा स्पेशियस होम थिएटर। तो जैसा कि आपने देखा 133 गज में बना हुआ एक खूबसूरत घर जिसमें स्पेस बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया है। हर एक रूम को बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये घर पसंद आया होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस घर में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। और आप अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।